ठीक हो गया जी, ये हमने जी बायकॉट लिख दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपका भाई भी जो है खैरियत से, आपकी दुआओं के साथ ठीक है। तो यार आज देखो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो एक पतंग जो है कट के आया था मेरे पास, इस टाइम ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो यार आपके भाई ने सोचा आप पतंगबाजी से तो लगती नहीं है अपनी, ठीक है, तो तुम्हारे भाई ने सोचा इस पे जो है आज बायकॉट लिख के उड़ा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है कंटेंट बना रहे हैं लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं बना रहा, तो मैंने सोचा चलो आज जो है ये पतंग बायकॉट लिख के उड़ाते हैं। तो यार चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस पर लिखते हैं बायकॉट, फिर इसे फ्लाई करते हैं। तो अभी जो है दोबारा भाई लिखने जा रहा है बायकॉट, ठीक है, इस पतंग पर। ठीक हो गया जी, ये हमने जी बायकॉट लिख दिया है। तो अभी मेरे पास डोर वगैरह नहीं पड़ी हुई, तो इसको धागे से उड़ाता हूँ। टूट गया तो टूट गया, अभी धागे से उड़ाऊँगा, टूट गया तो टूट गया, ठीक है। तो ये यार तुम्हारे भाई ने बायकॉट लिख लिया है पतंग पे। तो अभी जो है इसको फ्लाई करना है भाई धागे से, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास फिलहाल डोर नहीं है, ठीक है। तो ये ले आया है तुम्हारा भाई धागे की नलकी, अब भाई ये टूट भी सकता है, ठीक है। तो बस अल्लाह को याद करके अभी जो है उड़ाते हैं, वैसे अब दिल तो नहीं करता, बस वीडियो के लिए जो है धागे से उड़ा के देखते हैं ये उड़ता भी है धागे से या टूट जाता है, ठीक है। A few moments later. ये जी अभी तुम्हारा भाई जो है पेचा करने लगा, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ी सी केमिकल मिल गई जी तुम्हारे भाई को। तो भाई जी अभी करने जा रहे तुम्हारा भाई पेचा, ये छिक मार जाएगा लगता है। हाँ हो गया जी, और तुम्हारे भाई ने एक गुड्डा काट दिया जी, गुड हो गया जी। तो भाई जी अब वो टारगेट आगे वाला गुड्डा, ठीक है, उसके साथ पेचा करते हैं। तो अभी तुम्हारा भाई जो है करने जा रहा है पेचा आगे वाले गुड्डे के साथ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यार वो तो ऊपर उठ ही नहीं रहा फिलहाल,
डर गई, ओ डर गई, ए डर गई, ए डर गई। अकेले बंदे का यार कसम से वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, पतंग भी उड़ा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना है यार, लेकिन फिर भी अब वीडियो बनानी है जस्ट, तो मैंने सोचा चलो उड़ाते हैं। तो तुम्हारे भाई ने अभी फाइनली एक बेचा काट दिया है, अभी और कोई गुड्डा उड़ नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो डोर है फिलहाल केमिकल है, पतली डोर है, ठीक है। ये अभी तुम्हारा भाई जो है मांग के उड़ा रहा है किसी से, तो अभी वो ऊपर भी एक गुड्डा है जी, आगे आ जाए तो फिर उसके साथ करते हैं बेचा, लेकिन वो अभी फ़िलहाल जो है आगे नहीं आ रहा। तो भाई जी ये तुम्हारा भाई जो है बायकॉट वाला पतंग उड़ा रहा है, वो देखो यार पतंग एक जा रहा है कट के तारों के पीछे से, वो तार में अड़क ही गया, वो चला गया नीचे। वो अभी आगे वाले के साथ ही हो सकता है, पेचा कट गया यार मेरा। कनियों में जा के गुड्डा फंसा है। चलो यार अब डोर वगैरह खींच लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है व्लॉग क्लोज करते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। लाइक शेयर और कमेंट कर देना वीडियो पे। तो अभी के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। भाई को इजाज़त दो अभी, और दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।